The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So vaccines को माना जाता है कि वो आपको बचाने के लिए हैं, लेकिन एक बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो ये मानते हैं कि vaccines dangerous हैं. इंटरनेट पे भी बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे कि वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स हो गया, डेथ हो गई, बहुत ज़्यादा डेंजरस है वैक्सीन. तो आइए देखते हैं कि क्या वैक्सीन्स इतनी ख़तरनाक हैं या वैक्सीन सेफ़ हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट वो काम कैसे करती हैं, उनके अंदर झांक के देखते हैं. देखिए, जो वैक्सीन का प्रोसेस है, राइट, वैक्सीन आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा खतरनाक सिस्टम बनाया है. उसमें बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कोई सोल्जर है, इंटेलिजेंट सेल्स है, वेपन्स फैक्ट्री हैं. तो हर रोज़ आपके अंदर कीटाणु जाते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, और आपके इम्यून सिस्टम उनको मार देती है, तो आपको पता भी नहीं चलता, राइट. लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन खतरनाक हो जाए तो आपके इंटेलिजेंट इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, अटैकर्स को एक वेपन्स फैक्ट्री एक्टिवेट करते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और जो कि बेसिकली मिसाइल जैसी होती है, वो टारगेट ऑर्गन्स वहाँ पे जाके बैक्टीरिया वायरस को मार देती हैं. लेकिन इसको समय लगता है, इसको कुछ दिन लगते हैं, और तब तक आपके खिलाफ वो वायरस बैक्टीरिया काफ़ी डैमेज कर चुका होता है. इसीलिए आपको बहुत सारा डैमेज हो जाता है. जो आपको मारता है नहीं, वो आपको स्ट्रांग नहीं करता. इसीलिए जब आपके इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक नई चीज़ बना देता है, अगली बार वो वायरस बैक्टीरिया जो आपको आएगा, तब आपके इम्यून सिस्टम वो वेपन्स फैक्ट्री से एक तरीके के मेमोरी सेल बना लेंगे. ये मेमोरी सेल्स आपके बॉडी के अंदर स्लीप में रहते हैं, और जब भी याद करके रखते हैं, जब भी ऐसा कोई वायरस आता है वापस आपके शरीर के अंदर, वही वायरस, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं दोबारा, और ये एक्टिवेट करके आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन धुआंधार तरीके से तैयार कर देते हैं. और अब की बारी इतना जल्दी होता है कि आपकी बॉडी को नुकसान करने का वायरस के पास कोई मौका नहीं बचता, और आप जो है उस वायरस के बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यून हो जाओगे जिंदगी भर के लिए. और इसी वजह से छोटे बच्चे बार बार बीमार होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में ये इम्यूनिटी नहीं होती है, छोटे बच्चों में इतनी सारी बीमारी नहीं हुई होती है, जबकि बड़ों में ये इम्यूनिटी होती है, कलेक्टिव हर्ड इम्यूनिटी होती है, राइट. वैक्सीन काम कैसे करते हैं आइए देखते हैं. देखिए, अगर आप वैक्सीन की बात करेंगे, अगर आपने वैक्सीन कोई इन्फेक्शन से लिया, मान लो इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन के बाद आपको होगी बीमारी और आपकी बॉडी मेमोरी सेल फिर भी बनाएगी, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको बीमार होना पड़ेगा, राइट. ये एक डेंजरस इन्फेक्शन भी हो सकता है, राइट. और ये हम क्या करते हैं, एक मरा हुआ बैक्टीरिया आपके अंदर डालते हैं. मरा हुआ बैक्टीरिया, मरा हुआ वायरस क्या होता है, आपकी इम्यून सिस्टम उसको बड़ी आसानी से मार देता है, और इम्यून सिस्टम मार देता है उसके खिलाफ मेमोरीज बना लेता है. और कभी कभी हमें थोड़े से डेंजरस वैक्सीन्स भी डालने पड़ जाते हैं. मान लो अगर हमने लाइव वैक्सीन डाल दिया, बहुत सारा लाइव वैक्सीन, तो क्या हो जाएगा, वो डेंजरस हो सकता है. तो लाइव बैक्टीरिया वायरस आपके आपके खिलाफ हावी हो सकता है डेंजरस लेवल, तो इसीलिए वो खतरनाक होगा. इसीलिए हम लाइव वैक्सीन नहीं, लाइव वायरस नहीं, लाइव एटीन, उसका छोटा भाई जो एकदम मासूम सी, उसका एटीन्यूएटेड वायरस यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया, जो कि बहुत इजीली फिर आपकी बॉडी उसको मार दे, जिसका डेंजरस लेवल बहुत कम हो. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है दो वैक्सीन्स के. अगर आप नेचुरल रिएक्शन बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी फिर भी आएगी, लेकिन उसमें आपको बीमारी हो रही है, राइट. वायरस जो है, हर साल कई वायरसेस बदलते हैं, इसीलिए हमें वायरस के वैक्सीन भी हर साल बनाने पड़ते हैं, लेकिन वायरसेस आपको प्रोटेक्ट करते हैं कई बार जिंदगी भर, राइट. लेकिन हर वायरस का क्या दूसरा पार्ट होता है, देखो वायरसेस अच्छे, वैक्सीन अच्छे भी हैं, लेकिन वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, राइट. सो क्या होता है अगर आपके बच्चों को रिस्क हो गया वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स का. सो अगर मान लीजिए, अगर वैक्सीन्स को बीमारी से कंपेयर करने की कोशिश करें, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है, बहुत करोड़ों लोगों को, लेकिन बीमार होते हैं सिर्फ हज़ारों. तो हो क्या जाता है, मिलियंस में अगर किसी छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो वो ज़्यादा नंबर दिखता है कि हाँ, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख लोगों को बीमारी हो गई वैक्सीन की वजह से, लेकिन जो बीमारी है वो कम होती जा रही है. तो बीमारियों की जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको कंपेयर करना मुश्किल है. लेकिन पुराने ज़माने 1963 के पहले अगर बात करें, तो हर बच्चे को लिटरली मीज़ल्स होता था,
इतने सारे लोगों को, 135 मिलियन लोगों को हर साल मीजल्स होता था, और मीजल्स डेंजरस होता था कि बच्चे बीमार हो जाते थे, आईसीयू तक पहुंच जाते थे, एडवांस हेल्थ केयर तक आ जाते थे, राइट। और इतनी सारे इंजेक्शन, इतने सारे वैक्सीनेशन सब आ गए हैं, जिनके वजह से आपको सोचने में लगता है कि मान लीजिए अगर हमने एक पैरेलल वर्ल्ड लिया और उसमें ऐसा किया कि अगर उसमें वैक्सीनेशन बंद कर दी तो होगा क्या। मान लीजिए कि एक 10 मिलियन लोग हैं, राइट, उन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिला तो क्या होगा। उसमें से 198,000 लोगों को डेंजरस फीवर होगा, 80,000, 1 लाख लोगों को डायरिया हो जाएगा, 7 लाख लोगों को ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा, राइट। और ये सिर्फ मीजल से, राइट, 6 लाख लोगों को निमोनिया होगा, और मान लीजिए वो भी डेंजरस होता है, यानी 12,000 बच्चे मर सकते हैं उससे, 10,000 बच्चों को इंसेफलाइटिस हो सकता है, डेंजरस बीमारी दिमाग की, 2,500 बच्चों को SSPE करके एक बीमारी होती है, वो भी एक डेंजरस टाइप है उसका, उनसे हो सकता है। और ये क्या है, आपके बीमारी दिमाग को बीमार करती है, राइट। सो अगर पूरी चीज को बात करें तो 25 लाख लोग बीमार होंगे, 22.5 मिलियन लोग, और 20,000 के आसपास बच्चे मर जाएंगे अगर वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी कभी भी मीजल्स की, राइट। और अगर किसी ने वैक्सीनेशन करके मार भी दिया तो वो बहुत कमजोर रह जाएगा कि भाई हम बैक्टीरिया को मार भी दिया, फिर भी अगली बार लड़ने के लिए उनमें शक्ति नहीं रहेगी, फिर अगली बार वो फिर भी बीमार रहेंगे बच्चे। इसीलिए वैक्सीन नहीं करना अच्छी बात नहीं है, राइट। तो आपके बच्चों को बहुत मुश्किल होगी उस समय में। बट अगर वैक्सीन करवा ली तो क्या होगा, मान लीजिए, लेट्स, उसका रिस्क भी देखना चाहिए कि वैक्सीन करे तो कितने लोगों को साइड इफेक्ट, मान लीजिए उतने ही, हमने वही 10 मिलियन लोगों को, बच्चों को MMR वैक्सीन दी, राइट, तो क्या होगा, कितने लोगों को बीमारी होगी, कितने साइड इफेक्ट्स होंगे। वैक्सीनेशन के बाद 10 मिलियन बच्चों को वैक्सीन दिया तो उसमें से थोड़े 5 लाख को आएगा, मान लीजिए रैश आ जाएगा, 10 लाख को फीवर आएगा, तो मान लीजिए 100 बच्चों को एक एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, और ये थोड़ा बहुत सीरियस हो सकता है, 10 बच्चों को, उनमें से 10 बच्चों को जेनाइटल इन्फ्लामेशन हो सकता है, और अप टू 10 बच्चों को एनसेफलाइटिस, दिमाग के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि थोड़ा सीरियस साइड इफेक्ट है। लेकिन इसने कम लोगों में, यानी हमने 1 मिलियन लोगों को साइड इफेक्ट, तो 120 लोगों को सिर्फ सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हुए देखें, और उसके बाद में बिकॉज मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी एडवांस हो गई है, 120 लोगों को ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है, तो ज़्यादातर लोग उससे बच जाते हैं। लेकिन अगर ऑटिज्म की बात करें तो कई लोग मानते हैं उससे ऑटिज्म हो जाता है बच्चों को, लेकिन सारे ही मेडिकल रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि ऑटिज्म नहीं होता है किसी भी वायरसेस से, उसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, वायरसेस, वैक्सीन्स डू नॉट कॉज ऑटिज्म, राइट। और बाकी बात करें डेथ रेट्स की, तो अगर हम, इट इज़ वेरी हार्ड ये बताना कि हमने जिनको वैक्सीनेट किया 10 मिलियन बच्चों में से कोई एक भी बच्चा मर गया हो, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। लेकिन बाकी दूसरी तरफ हमने 20,000 बच्चे देखे जो मर गए अगर हम वैक्सीन नहीं करवाते हैं। तो ये एक खतरनाक सिचुएशन है जिसमें आप बात करें कि 100 से ज़्यादा मिलियन बच्चे जो है वो वैक्सीनेट किए जाते हैं, और मीजल्स इतनी डेंजरस बीमारी है कि वो आपके बच्चों को लिटरली वैक्सीन नहीं करेंगे तो खतरनाक तरीके से बीमार कर सकती है। मतलब वैक्सीन्स डेथ, अगर आप रिसर्च करेंगे लीथल वैक्सीन इफेक्ट, तो ढूंढ ढूंढ के भी आपको बड़ी मुश्किल से एक आधा केस, कंफर्म केस मिलेगा। लेकिन मीजल्स से जो मौतें होती हैं वो देखी गई हैं, मतलब हर साल मौतें होती हैं इतनी सारी, यानी सिर्फ 2017 में आप मानेंगे 11 लाख लोग, बच्चे मरे थे उससे, और 300 बच्चे आज के आज मान लीजिए हर बार मरते हैं मीजल्स से, और इवन एक बच्चा जो इस वीडियो के चालू होते भी मर जाएगा। वैक्सीन को आप कंपेयर कर सकते हैं सीट बेल्ट से, क्या सीट बेल्ट पहनने से आपको कभी ऐसा हो सकता है सीट बेल्ट की वजह से मौत हो जाए? जी हाँ, हो सकता है। लेकिन क्या चाहेंगे आप कि आपका बच्चा सीट बेल्ट ना पहने? नहीं, ऐसा नहीं चाहेंगे, राइट। आप बच्चा, पर यह भी हो सकता है आपका बच्चा वैक्सीन से एलर्जिक हो, तब क्या, तब तो आपको बहुत जरूरी है दूसरों को वैक्सीनेट करवाना, क्योंकि इसी वजह से वायरस आपके बच्चे तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, राइट। अगर
आपके पूरी हर्ड इम्यूनिटी, मतलब अगर 95% के ऊपर बच्चे वैक्सीनेट होंगे तो वो वायरस फैल ही नहीं पाएगा, वो बैक्टीरिया फैल ही नहीं पाएगा और आपके बच्चे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वैक्सीनेट होने चाहिए। ये है 95% एंड अबव वैक्सीनेट होंगे तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। सो जिनको वैक्सीन जो नहीं लगवा सकते, एलर्जिक है, उनको वैक्सीन लगवानी, दूसरों को चाहिए। तो अगर आप कंपेयर करेंगे ऐसे लोग जो वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं, कोई ये बोलते हैं, कोई उल्टा सीधा डेटा देता है कि नहीं वैक्सीन ने ये किया, वैक्सीन खराब है और ये है, वो सब मनगढ़ंत बातें हैं या उल्टी सीधी बातें हैं जिनमें कोई लॉजिक, कोई रिसर्च, कोई लॉजिक नहीं है, राइट? गुस्से करके चिल्ला चिल्ला के बोलने से कोई सच नहीं हो जाता। वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीन्स आपके बच्चों के लिए हैं, वो आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अपने बच्चों को वैक्सीन से मत दूर रखिएगा, वैक्सीन्स के बगैर वो बीमार हो सकते हैं, बहुत बीमार हो सकते हैं, और ज़्यादा बच्चे पुरानी बीमारियां जो ख़त्म होने लगी हैं वो वापस आ सकती हैं अगर हम वैक्सीन्स लगाना बंद कर दें। तो वैक्सीन्स बहुत ज़रूरी है, एक अकेला वो पावरफुल टूल है आपके पास जो खतरनाक से खतरनाक बीमारियों से आपको बचाएगा। तो वैक्सीन ज़रूर लगाना है, अपने बच्चों को भी, खुद को भी। वैक्सीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।